ट्रांसपोज लेने के लिए या तो रो के अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्मेशन करो या तो कॉलम के अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्मेशन करो। तो अगर मैं रो के अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं तो दिस इज द फर्स्ट रो आर वन। अब ये जो रो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? कॉलम में। तो दैट मीन्स ये बन जाएगा 1, 2, 4। तो रो वन बन गई कॉलम वन। अब जो रो टू है ये बन जाएगा कॉलम टू। तो कॉलम टू क्या बन गया? 3, 7, 6। तो ये आ गया ए ट्रांसपोज। ए डैश लिख लो या ए की पावर टी लिख लो, इट्स फाइन द सेम थिंग। तो दिस इज अ ए ट्रांसपोज। आई होप क्लियर हुआ। ठीक, अच्छा, इसी के अंदर तो ये मैंने किया रो के अकॉर्डिंगली। ठीक, अब मैं कर रहा हूं कॉलम के अकॉर्डिंगली। तो ए ट्रांसपोज क्या जाएगा, ध्यान से देखो। मैंने पहला कॉलम पकड़ा, इसको रो बना दिया। तो कॉलम वन जो है ये क्या बन जाएगा? रो वन। तो रो वन क्या बन गया? 1, 3। कॉलम टू जो है ये क्या बन जाएगा? रो टू। तो ये बन गया 2, 7। कॉलम थ्री जो है ये बन जाएगा रो थ्री। तो ये बन गया 4, 6। अब ध्यान से देखो, ये दोनों सेम है। तो दोनों में से एक काम करना है, दोनों के दोनों काम नहीं करने। तो रो को कॉलम बना देना है, कॉलम को रो बना देना है, दैट्स इट। ठीक, ये था इसका सेकेंड पार्ट। ये डेफिनेशन है बेसिकली इसकी, क्या कि रो इज ट्रांसफॉर्म्ड टू कॉलम और कॉलम इज ट्रांसफॉर्म टू रो। ठीक है, चेंज हो जाती है, रो कॉलम बन जाती है, कॉलम रो बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखो। हाँ जी, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक, लेट से 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, ठीक, तो क्या बन जाएगा? वर्टिकल बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। तो ध्यान से देखो, इस चीज की पोजीशन क्या है, ठीक, ये एलिमेंट क्या है पोजीशन पे? 1, 2, यानी कि रो 1 कॉलम 2। अब ये चेंज होके क्या बन गया? दैट इज 2, 1। समझ आया चीज? तो जो पोजीशन पहले आई कोमा जे है, राइट, वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद, ट्रांसपोज होने के बाद वो पोजीशन बन गई जे कोमा आई। मतलब रो पोजीशन एंड कॉलम पोजीशन इंटरचेंज होगी, ये दोनों इंटरचेंज होगी। ध्यान से देखो, तो जो पहले 1, 2 था अब वो 2, 1 बन गया, यानी कि जो पहले आई कोमा जे था वो जे कोमा आई बन गया। समझ आया चीज? ठीक, तो ये थर्ड पॉइंट है, दैट इज कि ट्रांसपोज होने के बाद जो रो पोजीशन है एंड जो कॉलम पोजीशन है ये दोनों के दोनों इंटरचेंज हो जाती है। ठीक, अब जैसे ये देखो, 6 की पोजीशन क्या है? 2, 3, दैट इज सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। अब 6 की पोजीशन क्या है? 3, 2, दैट इज थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो देखो 2, 3 जो है ये 3, 2 में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक, यानी कि पोजीशन उसकी, देखो वैल्यू नहीं चेंज करेगी लेकिन पोजीशन जो है पोजीशन चेंज कर जाएगी। आई होप क्लियर हुआ। ठीक, तो ये चीज होती है ट्रांसपोज। ठीक, आई होप क्लियर हुआ। ठीक, अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी हैं इसकी। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इज वापस ए होता है। ये तो ऑब्वियसली क्लियर है कि अगर मैं एक बार ट्रांसपोज करूंगा तो रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, फिर से ट्रांसपोज करूंगा तो जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो दो बार ट्रांसपोज करोगे तो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो वापस ए आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एक तो ये चीज हो जाएगी, ठीक, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, अच्छा, एक सेकेंड रुकना। एक सेकेंड,
हाँ जी, तो देखो सेम चीज जो एडिशन में है सेम चीज सब्ट्रैक्शन में भी चलेगी, दैट इज ए माइनस बी का ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी है जैसे के ए का ट्रांसपोज, तो के इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो के का कुछ नहीं होगा, के एज इट इज बाहर आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। इसका जैसे एग्जांपल, तो 2a का ट्रांसपोज जो है दैट इज नथिंग बट 2 बाहर आ जाएगा, ठीक, एंड a का ट्रांसपोज हो जाएगा इस तरीके से, तो ये चीज चलेगी, ठीक। देन फोर्थ, अगर मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, ठीक। तो अगर मल्टीप्लीकेशन में है जैसे ए बी का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा पहले बी का ट्रांसपोज आएगा मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज, मतलब रिवर्सल लॉ का मतलब क्या है कि उल्टे ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। जैसे अगर ए बी सी का ट्रांसपोज हो रहा है तो सबसे पहले सी का ट्रांसपोज आएगा, फिर बी का ट्रांसपोज आएगा, फिर ए का ट्रांसपोज आएगा, इस तरीके से बिल्कुल उल्टे ऑर्डर में सारा का सारा होगा, सारा का सारा जो है बिल्कुल उल्टे ऑर्डर में होगा इस तरीके से। तो दिस इज कॉल्ड द रिवर्सल लॉ ऑफ द ट्रांसपोज, ठीक थी। तो इन प्रॉपर्टीज को बस याद रखना है सर ये। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो सर। ये जो रिवर्सल लॉ है मल्टीप्लिकेशन में कर ले जाएगा, अकेला मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में एज इट इज रहेगा, ठीक। और डिवीजन मैट्रिसेस का होता नहीं है। यस सर, ठीक है, बिल्कुल सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, चलो ओके सर। अब देखो जैसे ये क्या बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स, ये एग्जांपल है अभी, ए मैट्रिक्स इज दिस, बी मैट्रिक्स इज दिस, वेरीफाई दिस। वेरीफाई करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, ये बस हमें प्रूव करना है, ठीक है, चेक करना है कि आ रही कि नहीं आ रही। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड क्या किया, सबसे पहले ए बी निकाला, तो ए बी के लिए हम क्या करेंगे, माइनस वन टू थ्री इंटू माइनस टू माइनस वन एंड माइनस फोर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखो, दिस इज योर थ्री क्रॉस वन, दिस इज योर वन क्रॉस थ्री, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स बन जाएगी। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स बनेगी ए बी, ठीक, दिस इज ए बी। तो क्या बनेगी, देखो माइनस वन इंटू माइनस टू दैट इज टू, माइनस वन इंटू माइनस वन दैट इज वन, माइनस वन इंटू माइनस फोर दैट इज फोर, फिर टू इंटू माइनस टू दैट इज माइनस फोर, टू इंटू माइनस वन दैट इज माइनस टू, 2 into minus 4 that is minus 8, फिर 3 into minus 2 that is minus 6, 3 into minus 1 that is minus 3, 3 into minus 4 that is minus 12, तो ये आ गया AB। अब AB का ट्रांसपोज क्या होगा, ठीक, अब AB का ट्रांसपोज क्या होगा, बेसिकली इस चीज का ट्रांसपोज, तो इसकी पहली रो पकड़ी, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या बन जाएगा 2 1 4, फिर सेकेंड रो पकड़ी, ठीक, सेकेंड रो को ट्रांसफॉर्म करके कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा माइनस फोर माइनस टू माइनस एट, फिर थर्ड रो पकड़ी, तो ये बन गया माइनस सिक्स माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व, इस तरीके से ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज, तो ये देखो क्या है, ये वन क्रॉस थ्री, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, थ्री क्रॉस वन, यानी कि ये रो मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। तो बी ट्रांसपोज आ गया मेरे पास इस तरीके से, माइनस टू माइनस वन माइनस फोर, एंड ए ट्रांसपोज, अब ए मेरी वर्टिकल मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल रो आ जाएगी, तो हॉरिजॉन्टल रो किस तरीके से जाएगी, इस तरीके से माइनस वन टू एंड थ्री, इस तरीके से आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ, राइट। अब देखो b ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस टू माइनस वन माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस वन टू थ्री, दैट विल बी इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर थ्री क्रॉस वन, दिस इज वन क्रॉस थ्री, तो दोनों मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स बन जाएगी, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या जाएगा, टू, फिर एलिमेंट जाएगा माइनस फोर, फिर एलिमेंट जाएगा माइनस सिक्स, फिर जाएगा वन, फिर जाएगा माइनस टू, फिर जाएगा माइनस थ्री, फिर जाएगा फोर, फिर एलिमेंट जाएगा माइनस एट, एंड फिर एलिमेंट जाएगा माइनस ट्वेल्व। अब ध्यान से देखो, ये दोनों की दोनों चीजें सेम आ रही हैं, राइट, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। कोई भी डाउट है प्लीज पूछो, कोई भी डाउट है प्लीज पूछो, कोई
कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है, कहीं पर भी कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज पूछिए। चलें आगे, फिर एक बार फिर समझाना। इसके अंदर कुछ नहीं किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड पहले ए बी निकाली, फिर ए बी का ट्रांसपोज कर दिया, तो ए बी निकाल के ए बी का प्रोडक्ट करके ये वाली मैट्रिक्स आ गई, इसका ट्रांसपोज किया तो इसका ट्रांसपोज करके ये वाली मैट्रिक्स आ गई। फिर हमने राइट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज निकाला तो बी का ट्रांसपोज निकाला, तो देखो ये रो वन है, रो वन बेसिकली कॉलम वन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो ये बन गया इसका ट्रांसपोज, ये बी ट्रांसपोज। अब यहाँ पे कॉलम वन है तो कॉलम वन कन्वर्ट होकर रो में कन्वर्ट हो गया। अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज दोनों को बस मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ये रिजल्टेंट आ गया, राइट। तो दिस इज योर राइट हैंड साइड एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों को ध्यान से देखो दोनों बराबर आ गए हैं, हेंस जो चीज वेरीफाई करनी थी वेरीफाई हो। बात कर सर, ट्रांसपोज में सिर्फ रो और कॉलम चेंज आते हैं ना? एग्जैक्टली, या तो रो चेंज होगा या तो कॉलम, एट ए टाइम एक चीज करनी है ट्रांसफॉर्म, दोनों के दोनों नहीं करनी है, मर्जी अपनी होती है। सॉरी, मर्जी हमारी होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने देखो ना ये ऊपर जब मैंने ये समझाया तो देखो इसके अंदर मैंने क्या किया, ये वाला क्वेश्चन के अंदर मैंने रो के अकॉर्डिंगली किया तो ये मैट्रिक्स बन गई, कॉलम के अकॉर्डिंगली किया तो ये मैट्रिक्स बन गई, दोनों सेम आ रही है ना, तो या तो रो के अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म करना है या तो कॉलम के अकॉर्डिंगली ट्रांसपोज करना है, दोनों के अकॉर्डिंगली नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना, दोनों में से एक करना, या तो रो के अकॉर्डिंगली ट्रांसपोज कर दो या तो कॉलम के अकॉर्डिंगली कर दो। रो के अकॉर्डिंगली करने का मतलब यह है कि रो को कॉलम में ट्रांसपोज मतलब कन्वर्ट कर दो, ठीक। कॉलम के अकॉर्डिंगली करने का मतलब क्या है कि कॉलम हर एक कॉलम पकड़ के उनको रो में कन्वर्ट कर दो, जैसे ये 1-3 को हमने कन्वर्ट कर दिया 1-3 में, तो ये कॉलम था इसको रो बना दिया, यहाँ पे सेकंड कॉलम है 2-7 फिर इसको रो बना दिया, फिर ये है थर्ड कॉलम इसको रो बना दिया, राइट। अब और हमने पहली वाली रो पकड़ी उसको कॉलम बना दिया, दूसरी वाली रो पकड़ी उसको कॉलम बना दिया, तो इस तरीके से कर लो, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो या तो रो के अकॉर्डिंगली करो या तो कॉलम के अकॉर्डिंगली करो, दोनों में से एक करना, ठीक है। अभी कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। सर एक बार दोबारा समझा दो, मेरा कनेक्शन चला गया था इंटरनेट का। कौन सा पार्ट दोबारा समझाओ भाई? सर यही जो क्वेश्चन है अभी जो करा रहे थे आप, नीचे जो क्वेश्चन है इसके अंदर कुछ नहीं किया भाई, ये पहले देख लेफ्ट हैंड साइड में ए बी आ रहा है, ठीक, ए बी का फिर ट्रांसपोज किया तो राइट, तो ए बी पहले निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाली मैट्रिक्स बन गई, फिर इसका ट्रांसपोज किया, इसका ट्रांसपोज करके ये चीज बन गई, ये चीज आ गई। कैसे किया ट्रांसपोज देख, ये जो रो वन थी 214 इसको हमने 214 वर्टिकली बना दिया, फिर हमने सेकंड रो पकड़ी दैट इज -4 -2 -8 फिर इसको वर्टिकली बना दिया, फिर रो 3 पकड़ी हमने -6 -3 -12 इसको वर्टिकली बना दिया, ठीक, तो इसका ट्रांसपोज हो गया। फिर हमने राइट हैंड साइड निकाली दैट इज बी का ट्रांसपोज निकाला, ए का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज आ गया, ये कैसे आया, बी इज अ रो मैट्रिक्स तो इसका ट्रांसपोज क्या चला जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स, तो ये आ गया कॉलम मैट्रिक्स बन गया, ठीक। अब इसके बाद हमने क्या किया कि जो ए है उसका ट्रांसपोज किया, तो ए ओवर हियर इज अ वर्टिकल मैट्रिक्स दैट इज अ कॉलम मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसपोज करके क्या आ जाएगा, रो मैट्रिक्स आ जाएगा, इस तरीके से रो मैट्रिक्स आ गया, ठीक, ओके, यस सर, राइट, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये राइट हैंड साइड बन के आ गया। अब इन दोनों को ध्यान से देखा, ये दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है, प्रूफ क्या वेरीफाई हो गया, बस बात कर, ठीक है। और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, चले आगे, ठीक, चलो आगे, यस सर। अगला क्वेश्चन चेक करो, अगला क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज ए का ट्रांसपोज इनटू ए दैट इज इक्वल टू आई थ्री, आई थ्री का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। तो अगर ये चीज कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने ए ट्रांसपोज निकाला, तो ए ट्रांसपोज क्या जाएगा, देखो ये फर्स्ट रो पकड़ी इसको कॉलम वन में कन्वर्ट कर दिया, तो 0 2y सेट, रो टू पकड़ी इसको कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो एक्स वाई माइनस जेड, फिर रो थ्री पकड़ी इसको कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर दिया, दैट इज एक्स माइनस वाई जेड इनटू ए, ए मैट्रिक्स इसको एज इट इज लिखा, तो 0 2y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड दैट इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये बन गया। अब ध्यान से देखो इनका प्रोडक्ट जा क्या रहा है,
ठीक ध्यान से देखना, रो वन को कॉलम वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो जीरो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो दैट इज टू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट बन गया हमारा टू एक्स स्क्वायर। ठीक, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, रो वन को कॉलम टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो जीरो एक्स इंटू वाई, तो प्लस एक्स वाई, ये माइनस एक्स वाई, तो ये जीरो बन गया। फिर रो वन इंटू कॉलम थ्री, दैट इज जीरो एक्स इंटू माइनस जेड, दैट इज माइनस एक्स जेड, ये प्लस एक्स जेड, तो ये कट के ये भी जीरो। अब ये सेकेंड, तो टू वाई इंटू जीरो, दैट इज जीरो, वाई इंटू एक्स, दैट इज एक्स वाई, माइनस वाई इंटू एक्स, दैट इज माइनस एक्स वाई, तो दोनों कट के जीरो आ गया। फिर थर्ड वाला जाएगा तुम्हारा टू वाई इंटू टू वाई, दैट इज फोर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सिक्स वाई स्क्वायर। ऐसे ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, और लास्ट वाला जाएगा तुम्हारा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज थ्री जेड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। तो ये हमारा चीज बन के आ गई, राइट। अब यूजिंग द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये हमारा वन होना चाहिए, ये भी वन होना चाहिए, ये भी वन होना चाहिए, तो यहाँ से हमें मिला कि टू एक्स स्क्वायर, दैट इज वन, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, वन बाय टू, तो एक्स की वैल्यू क्या गई, प्लस माइनस वन बाय रूट टू। सिमिलरली सिक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस वन बाय रूट सिक्स। एंड टू थ्री जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, वन बाय थ्री, तो जेड की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस वन बाय रूट थ्री। आई होप क्लियर हुआ, राइट, क्लियर है ये चीज। कोई भी डाउट प्लीज, कोई भी डाउट है प्लीज बताओ, चले आगे। ठीक, चलो अब देखो जरा, इसके पहले एक और क्वेश्चन है, ठीक है, वो देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी फेमस है स्कूल लेवल पे, जो अभी मैं करवा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन है कि अगर ए मैट्रिक्स है मेरी कॉस थीटा, एक सेकेंड ना, हाँ, तो क्वेश्चन है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ए अगर ये वाली मैट्रिक्स है, फाइंड थीटा इफ ए ट्रांसपोज प्लस ए इज इक्वल टू आई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ए मैट्रिक्स दे रखी है हमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, एंड कंडीशन क्या गिवन है कि ए का ट्रांसपोज को अगर ए में ऐड करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो हमने क्या किया, देखो लेफ्ट हैंड साइड निकाली ए ट्रांसपोज प्लस ए, तो वो बन जाएगा ए का ट्रांसपोज, देखो क्या जाएगा, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो दैट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको कॉलम में कन्वर्ट किया तो ये बन गया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए, दैट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो देखो क्या बन गया, ये बन गया टू कॉस थीटा, ये दोनों कट के कैंसिल आउट होके जीरो, ये दोनों कट के कैंसिल आउट होके जीरो, एंड ये दोनों ऐड होके टू कॉस थीटा। नाउ दिस इज गिवन टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो दिस शुड बी इक्वल टू वन जीरो जीरो वन, तो ऑन कंपैरिजन टू कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू। आई होप क्लियर हुआ, तो थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, 60 डिग्री, दैट इज पाई बाय थ्री, तो दैट इज आंसर। समझ आया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, जहां पर ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो देख के बस घबरा मत जाना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है ये, ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं। हाँ जी, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ध्यान से देखना, इसका क्वेश्चन पक्का है स्कूल लेवल पे बोर्ड लेवल पे, ठीक है, तो ध्यान से देखना ये चीज। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका मैंने किया ट्रांसपोज, अगर ट्रांसपोज करने के बाद वापस वही वाली मैट्रिक्स मेरे को मिल जाए, यानी कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड इफ
ए का ट्रांसपोज करने के बाद वो माइनस ए के बराबर आ जाए देन इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, ये नाम याद रखो। क्या कि ट्रांसपोज करने के बाद अगर वापस वही वाली मैट्रिक्स आ जाए तो वो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज करने के बाद अगर माइनस ऑफ दी ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, एग्जांपल देखो इसका, एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा। लेट से ए इज 1, 2, 3, 2, 4, 5, 3, 5, 6। ठीक, अब मैंने किया ए ट्रांसपोज, ध्यान से देखना, तो ट्रांसपोज करके क्या होगा, पहली रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये बन गया 1, 2, 3। सेकेंड रो कॉलम में कन्वर्ट होगी तो 2, 4, 5, तो ये बन गया 2, 4, 5। थर्ड रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया तो ये बन गया 3, 5, 6, इस तरीके से। राइट, अब ध्यान से देखो, ये 1, 2, 3, ये 1, 2, 3, ये 2, 4, 5, ये 2, 4, 5, ये 3, 5, 6, ये 3, 5, 6। हेंस दोनों के दोनों मैट्रिक्स सेम आ गई, तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया, तो जो गिवन मैट्रिक्स है ये इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप क्लियर हुआ सर। सर हम सारे एलिमेंट देखेंगे? हाँ भाई, कंपैरिजन तो साथ सबका करेंगे ना। ठीक है सर, इक्वालिटी है ना, ये इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, राइट। अच्छा, अब स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल देखो, लेट्स से बी मैट्रिक्स सर आई भी, हाँ जी हाँ जी, आई का सर आई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आई का ट्रांसपोज करोगे वापस आई आ जाएगा। ठीक है, जैसे वो उन्होंने ना वो मिसलेनियस क्वेश्चन में जैसे अज्यूम करने के लिया था, हम आई अज्यूम कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, सिमेट्रिक में से प्रूफ करना था। नहीं नहीं, वो मैं डाउट्स में एक बार बताता हूँ, वो क्वेश्चन मेरे को एक बार प्रॉपरली रीड करना पड़ेगा क्या चीज है। ठीक है, ठीक है ना, वो डाउट्स में पूछ लेना, पहले एक बार ये काम कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो अब जैसे इसका एग्जांपल देखो, 0, -1, 2, 1, 0, 4। ठीक है, जस्ट एक सेकंड रुकना, ये सॉफ्टवेयर हैंग कर रहा है, एक सेकंड रुकना, सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया। हाँ जी, तो देखो कि 0, -1, 2, 1, 0, 4, -2, -4, 0। ठीक, अब मैंने B का ट्रांसपोज किया, तो B का ट्रांसपोज करके क्या आ गया, देखो जरा, ये वाली रो पकड़ी, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या बन गया 0, -1, 2। फिर ये वाली रो पकड़ी, इसको कॉलम में कन्वर्ट करके 1, 0, 4। फिर ये वाली रो पकड़ी, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया -2, -4, 0। ठीक, अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, बी को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस बी क्या बन जाएगा, दैट इज 0, ये माइनस ऑफ -1 + 1 हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा -2, ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा 0, फिर -4, फिर 2, 4 and 0, ये बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों सेम आ गए, यानी कि इसके लिए बी ट्रांसपोज जो है वो माइनस बी के बराबर हो गया, तो हेंस ये वाली जो बी मैट्रिक्स गिवन है, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात खत्म, समझ आया? ठीक, तो मैंने जस्ट एग्जांपल दी है एंड समझाया है होता क्या है। ठीक है, अब तुमने अगर एक चीज ऑब्जर्व की हो, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक, ध्यान से देखो, ये चीज, ये सारे के सारे जीरो होते हैं, तो याद रखना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक, वो सारे के सारे जीरो होते हैं। ठीक, ये इसकी प्रॉपर्टी है, क्या कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे जीरो होते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब ना एक क्वेश्चन है, ठीक, तो क्वेश्चन का पहले मैं कंसेप्ट समझाता हूँ, ठीक, फिर उस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये वाला, मैं एक सेकंड इसको कॉपी पेस्ट करके ऊपर ले आता हूँ।
हाँ जी देखो जरा, तो क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पक्का है जो तुम्हारे स्कूल में या बोर्ड में आएगा, ठीक है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को चेक करना, ठीक है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक। तो पहले मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन को करके बता रहा हूँ। अब लेट से हमारे पास ए कोई भी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा ये हमेशा सिमेट्रिक रहेगा, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा, ठीक। ये कंसेप्ट को समझो पहले, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर समझ में आया तो ही जाके ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इसके लिए एक एग्जांपल ली। एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या किया, लेट से ए को मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स लिया, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो 1 2 3 4, अब देखो ध्यान से, अगर मैंने इसका ट्रांसपोज किया ए ट्रांसपोज, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 2, ये बन जाएगा 3 4। अब ध्यान से देखो, ना ये बराबर आ रहे हैं ना ये एक दूसरे के नेगेटिव है। कहने का मतलब जो ए है, जो गिवन मैट्रिक्स ए है, ना ये सिमेट्रिक है ना ये स्क्यू सिमेट्रिक है। आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक। ना ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बट अब हमने क्या किया, सबसे पहली चीज निकाली ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक। तो क्या आ रहा है, देखो इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करके क्या हो जाएगा, 1 और 1 ऐड होके 2 हो जाएगा, 2 and 3 ऐड होके 5 हो जाएगा, 3 and 2 ऐड होके 5 हो जाएगा, एंड 4 and 4 ऐड होके 8 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो मैट्रिक्स आई ना, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक। अच्छा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ना एक और प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी मैंने बताई ना कि ये डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक। अब ध्यान से देखो, सिमेट्रिक के केस में क्या होगा, ये जो डायगोनल है, ठीक, इसके अबाउट देखो ये सारे के सारे एलिमेंट सेम आ रहे हैं, 2 2 3 3 5 5, ये इसकी पहचान होती है। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, यानी कि जो डायगोनल है, डायगोनल के अबाउट एलिमेंट्स सिमेट्रिकली प्रेजेंट हैं, देन इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज करने के बाद भी ये चीज सेम रहेगी। आई होप क्लियर हुआ, ध्यान से देखो ये चीज। सर दोबारा बताना, ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान है कि जो डायगोनल है, ठीक, डायगोनल के अबाउट जो एलिमेंट्स हैं ये सिमेट्रिकली प्रेजेंट होंगे। जो डायगोनल है, डायगोनल के अबाउट जो एलिमेंट्स हैं ये सिमेट्रिकली प्रेजेंट होंगे। ध्यान से देखो ये चीज, तो जैसे इस केस में डायगोनल है ये 1 4 6, ठीक, इसके अबाउट एलिमेंट्स देखो कैसे हैं, ये सिमेट्रिकली ऊपर नीचे प्रेजेंट है 2 2, फिर ये सिमेट्रिकली ऊपर नीचे प्रेजेंट है, फिर ये सिमेट्रिकली ऊपर नीचे प्रेजेंट है। आई होप क्लियर हुआ। तो डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिकली एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे देखो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके अंदर देखो वैल्यू सेम है 1 1, लेकिन एक दूसरे की नेगेटिव वैल्यू है। देखो ये 2 2, लेकिन एक दूसरे की नेगेटिव वैल्यू है, राइट। ये -4 4, एक दूसरे की नेगेटिव वैल्यू है। कहने का मतलब ये है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो अपने डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होगी, यानी कि डायगोनल के अबाउट जो उसके एलिमेंट्स होंगे वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड होंगे ऊपर नीचे, ठीक। एंड जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक, वो उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस नेगेटिव साइन का फर्क होगा, यानी कि ऊपर नीचे जो एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, दैट्स इट, ठीक। एंड प्लस डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, ठीक। ये प्रॉपर्टीज याद रखना, ये देख के ही तुम इसके थ्रू ना तुम देखते ही पहचान सकते हो कि कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक है। जैसे अब देखो जरा, अब ये वाली मैट्रिक्स है, ठीक, अब ये वाली मैट्रिक्स के अंदर ये डायगोनल रही, इसके अंदर ये 5 5 सिमेट्रिकली प्रेजेंट है यार, तो इसका मतलब ये है कि जो मर्जी कर लो ये चीज जो है ये सिमेट्रिक है, यानी कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप क्लियर हुआ। कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो अभी तक, प्लीज कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। नहीं, चले आगे, ठीक, ध्यान से देखो। हाँ जी, हाँ जी, पीयूष पूछो, पीयूष को डाउट है? नहीं सर, नथिंग। ओके ओके, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, सेम तरीके से ए माइनस ए ट्रांसपोज किया, ठीक, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो 1 माइनस 1 तो ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 3 तो -1 हो जाएगा,
थ्री माइनस टू तो वन हो जाएगा, फोर माइनस फोर जीरो हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये देखते तुम्हें पहचान आ जानी चाहिए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक का कैसे, ये डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो प्लस इसके अबाउट जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के नेगेटिव है, हेंस दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखो हमारा कंसेप्ट क्या था, यहाँ पे मैंने क्या चीज समझाई, ए कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स ली मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। फिर हमने क्या किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज किया, मतलब ए के अंदर उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दिया, तो जो मैट्रिक्स बन के आई दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड अगर माइनस कर दिया तो जो मैट्रिक्स बन के आई वही वो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी। आई होप क्लियर हुआ, श्योर ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। ठीक, अब ध्यान से देखो आगे, अब मैंने क्या किया, मैंने एक मैट्रिक्स ली ए, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2a डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब न्यूमरेटर के अंदर 2a के साथ मैंने प्लस a ट्रांसपोज किया, माइनस a ट्रांसपोज किया डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 2a है ये a प्लस a लिख सकता हूँ, इसमें से एक a को मैंने a ट्रांसपोज के साथ ऐड किया तो ये बन गया a प्लस a ट्रांसपोज, प्लस दूसरे a को मैंने ट्रांसपोज के साथ माइनस a ट्रांसपोज के साथ कंबाइन करके वो बन गया a माइनस a ट्रांसपोज, दोनों का 2 डिनोमिनेटर में अलग अलग कर दिया ये। अब ध्यान से देखो, अभी मैंने बोला कि अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, ए अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इन दैट केस ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या रहेगा, सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ये अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया, राइट। तो वहीं से हमें पता चला कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, दैट मीन्स एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें कोई डाउट, समझ आया? ये प्रूफ याद रखना, ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में पूछ भी सकते हैं बट जनरली इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक, जैसे अब ये क्वेश्चन चेक करो, अब ये तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन चेक करो। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए गिवन है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यानी कि जो गिवन मैट्रिक्स ए है, इस ए मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, दो मैट्रिसेस के अलग अलग तोड़ना है, पहली वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए, दूसरी वाली मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ए क्या मैट्रिक्स गिवन है अपने को, ए गिवन है 3 2 3 4 5 3 3 2 3 4 5 3 and 2 4 5, ये मैट्रिक्स गिवन है। ठीक, अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे इसको, जो अभी हमने बात बताई ठीक है वही करेंगे। सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज निकालने के बाद ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे, बस बात खत्म। ठीक है, तो दैट इज सबसे पहले हमने निकाला ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज क्या आ गया, पहली रो को पकड़ के कॉलम में कन्वर्ट कर दिया दैट इज 3 2 3, फिर दूसरी रो को पकड़ के कॉलम में कन्वर्ट कर दिया दैट इज 4 5 3, फिर थर्ड रो को पकड़ के कर दिया दैट इज 2 4 5, फिर हमने निकाला ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2। ठीक है, बाय 2 भी है डिनोमिनेटर में, ध्यान से चेक करना, ये देखो ये बाय 2 भी है। ठीक, तो डिनोमिनेटर में 2 भी है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 किया, तो ध्यान से देखो ये 1 बाय 2 को बाहर रखा, अब हमने क्या किया ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दिया, तो इन दोनों को ऐड करना है, इसको एंड इसको ऐड करना है, तो ऐड करके ध्यान से देखो क्या बनेगा, 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 4 6, 5 प्लस 5 10, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 4 7, 5 प्लस 5 10। अब हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 3 5 बाय 2, 3 5 7 बाय 2, 5 बाय 2 7 बाय 2 एंड 5। तो अब ध्यान से देखो ये चीज, ठीक है, ऑब्जर्व करना, ये डायगोनल है, इसके अबाउट एलिमेंट्स देखो ये सिमेट्रिक आ गए। ठीक, तो डेफिनेटली दिस इज द सिमेट्रिक पार्ट।
समझ आया चीज? अब स्क्यूज मैट्रिक पार्ट, उसके लिए ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे, तो हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाला बाय टू, तो दैट वुड बी वन बाय टू ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे। अब ध्यान से देखो, ए माइनस ए ट्रांसपोज करने के लिए हमने क्या किया, देखो ये थ्री माइनस थ्री जीरो, टू माइनस फोर माइनस टू, थ्री माइनस टू वन, फोर माइनस टू टू, फाइव माइनस फाइव जीरो, थ्री माइनस फोर माइनस वन, टू माइनस थ्री माइनस वन, फोर माइनस थ्री वन, फाइव माइनस फाइव जीरो। अब हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया हमारा, जीरो माइनस वन वन बाय टू, वन जीरो माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू, वन बाय टू जीरो। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब क्या चीज आ रही है। ठीक, तो ये a प्लस a ट्रांसपोज बाय टू आ गया एंड a माइनस a ट्रांसपोज बाय टू, दो पार्ट्स तो आ गए। अब इसका a के साथ क्या लेना देना, ठीक है? तो ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, a प्लस a ट्रांसपोज बाय टू प्लस a माइनस a ट्रांसपोज बाय टू, ये किया तो क्या बन गया, सबसे पहले मैंने a प्लस a ट्रांसपोज बाय टू वाली मैट्रिक्स लिखी, वो आ गई थ्री, ये वाली मैट्रिक्स, दैट इज थ्री थ्री फाइव बाय टू, थ्री फाइव सेवन बाय टू, फिर फाइव बाय टू सेवन बाय टू फाइव। ठीक, फिर हमने लिखी दूसरी वाली मैट्रिक्स, दैट इज जीरो माइनस वन वन बाय टू, वन जीरो माइनस वन बाय टू, फिर माइनस वन बाय टू वन बाय टू जीरो। अब ध्यान से देखो, दोनों का सम करूंगा ना तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, राइट? अब ध्यान से देखो, थ्री प्लस जीरो दैट इज थ्री, थ्री माइनस वन दैट इज टू, फाइव बाय टू प्लस हाफ दैट इज थ्री, थ्री प्लस वन दैट इज फोर, फाइव प्लस जीरो दैट इज फाइव, सेवन बाय टू प्लस सेवन बाय टू माइनस हाफ दैट इज सिक्स बाय टू दैट इज थ्री, फाइव बाय टू प्लस माइनस हाफ तो दैट इज टू, सेवन बाय टू प्लस हाफ दैट इज फोर, फाइव प्लस जीरो दैट इज फाइव। तो दिस इज द ओरिजिनल ए मैट्रिक्स, ध्यान से चेक कर लो, यस इट इज द ओरिजिनल ए मैट्रिक्स, यही ओरिजिनल ए मैट्रिक्स है। तो हेंस हमने क्या किया, ये ए को देखो, दिस इज ए मैट्रिक्स, तो ए को हमने क्या किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय टू प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय टू की फॉर्म में लिख दिया, विच इज सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक की सम की फॉर्म में हमने लिख दिया। हेंस वी आर डन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया? किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो, प्लीज, मोस्ट वेलकम। सर, हाँ जी सर, इसमें वन बाय टू करना जरूरी है? हाँ जी बिल्कुल करना जरूरी है। सर बिना वन बाय टू किए भी वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बन रहे हैं? नहीं अम्या, आई अंडरस्टैंड बन रहा है, राइट? अब ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट एक पूरी ध्यान से चेक करो, आई अंडरस्टैंड कि आप पता क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि a प्लस a ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, राइट? बट ये भी चेक करो कि अगर a प्लस a ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो डिवाइडेड बाय 2 करूंगा वो भी सिमेट्रिक रहेगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, हमने जब a को लिखा, राइट, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यानी कि डिनोमिनेटर में 2 तो आएगा ही आएगा, राइट? उसके बाद जो न्यूमरेटर में 2a था उसके अंदर से एक a को a ट्रांसपोज के साथ कंबाइन किया, दूसरे को a माइनस a ट्रांसपोज के साथ, तो डिनोमिनेटर में 2 तो देखो आएगा ही आएगा जो मर्जी हो जाए। तो अदरवाइज अब सोचो, अगर मैं डिनोमिनेटर वाला 2 नहीं लिखता हूं, राइट, अगर मैं डिनोमिनेटर वाला 2 नहीं लिखता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा, a प्लस a ट्रांसपोज प्लस a माइनस a ट्रांसपोज। नाउ ध्यान से देखो ये क्या होता है, ये कट के तो ये 2a आ जाएगा, दिस इज नॉट इक्वल टू a, हमें a को लिखना है, हमें 2a को नहीं लिखना है, सो इस 2 को डिनोमिनेटर में लेके गए, अब जाके ये बना। सो बेसिकली डिनोमिनेटर में 2 आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सोचो कि इसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक, अगर मैं डिनोमिनेटर में 2 नहीं लिखता तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे डबल होते हैं, अभी तो 2 से डिवाइड करके आए ना ये एलिमेंट्स, तो इन दोनों का सम जो है ये वापस a नहीं आता, यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे 2a आ जाता इन दैट केस, और वो गलत हो जाता, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें a चाहिए। हमें क्वेश्चन क्या है, a को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इंस्टेड ऑफ 2a को रिप्रेजेंट करना, और क्वेश्चन इज a को रिप्रेजेंट करना। आई होप क्लियर हुआ, नहीं हुआ मेरे को दोबारा बताओ प्लीज। ठीक है सर, हो गया। ओके गुड।
ठीक है, बाकी प्लीज और कोई डाउट है तो किसी को प्लीज पूछो। सर एक मिनट, स्क्रीन सेंटर में करना, थोड़ी सी ऊपर करना मतलब। बस सर बस। किसी को कोई भी डाउट है इस कंसेप्ट में प्लीज पूछो, अदरवाइज हम आगे चल रहे हैं। चले आगे चले सर। हाँ जी सर, ये जो जिसमें हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव की है, हाँ जी सर, इसमें अगर हमारा एक भी मैट्रिक्स वो जैसे डायगोनल अगर प्रूव हो जाती तो हम इसे तब भी वही सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंसीडर करते? नहीं, मैं तेरा डाउट नहीं समझा, दोबारा बोल। सर जैसे मतलब कि इसमें जैसे जैसे 5/2 5/2 हमने वो कर दिया कि ये डायगोनल वो सेम आ गया है। हाँ जी। जैसे 5/5 कर दिया, 7/2 कर दिया कि ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए हैं। हाँ। अगर इसमें सपोज कर लो कि ये सिर्फ 5/5 5/5 ही एक डायगोनल अगर सेम होते तो बाकी सेम ना होते तब भी हो जाता हमारा वो सिमेट्रिक? नहीं नहीं नहीं, सारे के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए ना। आई होप तो ये बोल रहा है कि अगर ये एक सेकंड, हाँ आई होप तो ये चीज बोल रहा है कि अगर हमारा ये एलिमेंट बराबर है और ये वाला एलिमेंट बराबर नहीं है तो जाके सिमेट्रिक रहेगा क्या? तेरा यही क्वेश्चन है? यस सर। हाँ नहीं नहीं, सारे के सारे होने चाहिए, ये वाला भी बराबर होना चाहिए, ये वाला भी बराबर होना चाहिए, ये वाला भी बराबर, सारे के सारे बराबर होने चाहिए। ठीक है सर, फिर वो जो सबसे सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जो 3 है वो थोड़ा ना हुआ फिर बराबर? नहीं नहीं, ये तो डायगोनल है ना यार, डायगोनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स में बोल रहा हूँ। ठीक है सर, आगे समझ सर आगे। हाँ, डायगोनल को छोड़ के। यस सर, ठीक है ओके, ठीक है गुड। और किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, चलो आगे चल रहे हैं। देखो अब इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने यार तुम्हें बता दिया, ठीक। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, इसको वन बाय वन देखो जरा किस तरीके से करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक, तो इसके अंदर क्या बोल रहा है वो कि ए जो है वो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इन दैट केस हमें प्रूव करना है कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। थर्ड वाला पार्ट में थोड़ा सा बताता हूँ, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा कंसेप्ट है ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ करना, ठीक है। देखो पहले हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ नहीं किया, मैंने जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें बताया था कि यस अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक रहेगा, लेकिन अभी हमें प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा, ठीक। अब प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। देखो ए अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, ए जो है अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज। अच्छा मैंने ना, मेरे को ना पहले सबसे पहले ये चीज बताओ कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो क्या कंडीशन है, ठीक, उसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। तो डेफिनेशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या बोलती है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसका जो ट्रांसपोज है वो वापस ए आ जाना चाहिए। आई होप क्लियर हुआ, राइट। तो जिस भी मैट्रिक्स को हमें अपना, प्लीज माइक ऑफ रखो, यार ये चीज दोबारा ना हो प्लीज। हाँ जी, तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसके ट्रांसपोज को वापस वही वाली मैट्रिक्स हो जाना चाहिए, ये चीज हमें प्रूव करनी है। और अगर किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसका ट्रांसपोज करने के बाद माइनस ऑफ ए बन जाना चाहिए, यानी कि माइनस ऑफ द सेम मैट्रिक्स आ जानी चाहिए, ठीक। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब हमें ध्यान से देखो क्या प्रूव करना है कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है
ये सिमेट्रिक है, हमें ये प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स पकड़ी, हमने इसका किया ट्रांसपोज, ठीक, हमने इसका किया ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करके, अब देखो एडिशन के ऊपर तुम्हें मालूम है कि ट्रांसपोज जो है वो हमारा स्प्लिट हो जाता है, तो क्या बन जाएगा ये ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो इसका भी ट्रांसपोज हो गया एंड इसका भी ट्रांसपोज हो गया, तो क्या बन गया ये ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, अभी मैंने प्रोपरेस के थ्रू तुम्हें बताया, दैट इज ए, राइट। अब ध्यान से देखो क्या बना, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बन गया मेरा, दैट इज ए ट्रांसपोज प्लस ए बन गया। तो देखो ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करने के बाद वापस वही वाली मैट्रिक्स आ गई, हेंस ए ट्रांसपोज प्लस ए जो है इट विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक। कोई भी डाउट है इसमें तो प्लीज पूछो, ये इसको प्रूव करने का तरीका है, ये स्कूल में आ सकता है डेफिनेटली, ठीक। तो कोई भी डाउट है इसके अंदर प्लीज पूछो, ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए हमें। दोबारा बता रहा हूं कि अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया, वापिस अगर ए ट्रांसपोज प्लस ए आ जाए तो हेंस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक, वही चीज हमने करके देखी। आई होप क्लियर हुआ, ठीक। अच्छा अब देखो जरा, डाउट है तो प्लीज पूछो। ये कौन था यार, इसको निकाल दिया मैंने अभी, पता नहीं कोई था, ही हंस दे। हाँ मैंने उसको निकाल ही दिया अभी मीटिंग से। ये रोज ही कोई नाम चेंज करके आता, कल भी कोई ऐसी था, कोई क्या था, का नाम तो था बाबूराव आप्टे, हाँ बाबूराव आप्टे, कल उस नाम से था। ओके ओके कोई बात नहीं, इन दैट केस हम पता क्या करेंगे, अपनी मीटिंग आईडी चेंज कर देंगे एंड इसको ब्लॉक पे डाल देंगे, ठीक है, तो ये कभी ज्वाइन नहीं कर पाएगा, पासवर्ड रख लेते हैं। पर ये हमारे ग्रुप में हो सकता है क्या, हमारे ग्रुप का कोई बच्चा हो, कोई बात नहीं देख लेंगे इसको, हैंडल कर लेंगे, डोंट वरी ठीक है, आ गया हो तुम। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है इसका, कि a माइनस a ट्रांसपोज जो है इट हैज टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक, a माइनस a ट्रांसपोज जो है इट हैज टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो देखो हमने क्या किया, a माइनस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया, तो a माइनस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने के बाद क्या चीज जाएगी, ठीक, ये ट्रांसपोज इसका हो जाएगा तो ए ट्रांसपोज बन जाएगा माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो बेसिकली ये बन जाएगा ए। अब दोनों में से माइनस वन कॉमन लिया तो ये बन जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। आई होप क्लियर हुआ, ठीक। तो देखो जो मैट्रिक्स थी ये वाली मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज किया तो माइनस ऑफ दी सेम मैट्रिक्स बन गया, हेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो इसमें से, कोई भी डाउट है प्लीज, नहीं चले आगे। अच्छा थर्ड देखो जरा, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि a इंटू ए ट्रांसपोज, अब ये जो है ना ये एक्चुअली में है, इसको मैं दोबारा बताता हूँ, a ट्रांसपोज इंटू a है, उल्टा है। हमें प्रूव करना है थर्ड पार्ट में, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर सेकंड पार्ट, नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है वो, a इंटू a ट्रांसपोज जो है ये सिमेट्रिक है, तो इसका हमने ट्रांसपोज किया, ठीक। अब याद करो मल्टीप्लीकेशन के अंदर रिवर्स ऑर्डर हो जाता है, यानी कि ये वाला जो है इसका ट्रांसपोज होने के बाद ये पहले आ जाएगा, तो a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पहले आ जाएगा एंड इसका ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज ये बाद में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, a इंटू ये एज इट इज a ट्रांसपोज। तो ध्यान से देखो, a into a transpose का transpose किया तो क्या बन गया, a into a transpose, hence it is a into a transpose जो है ये क्या बन जाएगा, symmetric। I hope clear हुआ, right? ऐसे ही इसके साथ वाला क्या है, a transpose into a, अब इसका transpose किया तो क्या बन जाएगा, इसका transpose होके पहले आ जाएगा बाद वाले का, a transpose into,
ये इसका ट्रांसपोज होके बाद में आ जाएगा, दैट इज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, तो ये एज इट इज ए ट्रांसपोज इनटू ये बन जाएगा ए. क्या बन गया? ए ट्रांसपोज इनटू ए. तो देखो इस चीज का ट्रांसपोज करने के बाद वापस वही चीज आ गई, हेंस इट इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. कोई भी डाउट है इन सबके अंदर तो प्लीज पूछो. सॉरी वो लास्ट पार्ट फिर से बता दो. लास्ट पार्ट तो हमने क्या किया, हमने a into a transpose को हमें प्रूफ क्या करना है, a into a transpose is a symmetric matrix, ठीक है? तो a into a transpose का transpose किया. तो अब याद करो प्रॉपर्टी क्या है कि ab का जो transpose होता है वो b transpose into a transpose होता है, ठीक? जो ab का transpose होता है वो b transpose into a transpose होता है, राइट? तो a into a transpose का transpose क्या हो जाएगा, इसका transpose पहले आ जाएगा, तो इसका ट्रांसपोज पहले आ जाएगा इनटू इसका ट्रांसपोज बाद में आ जाएगा. तो दैट वुड बी योर क्या बन जाएगा जी, दैट इज ए इनटू ए ट्रांसपोज बन जाएगा. आई होप क्लियर हुआ, ठीक? तो देखो इसका ट्रांसपोज करने के बाद वापस ये चीज आ गई. हाँ पीयूष बोल. पीयूष को डाउट है? चलो आगे चलते, ठीक? हाँ भाई क्लियर हुआ तेरे को शिवाय? यस सर. चलो ठीक आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे. तो अब ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है? ये हमें प्रूव करना है. तो आई थिंक ये तो हमने अभी प्रूव ही करके दिखाया था तुम्हें, ठीक है? कि ए मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय टू प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय टू. ये तो अभी मैंने प्रूव ही करके दिखाया था, लेकिन इसको दोबारा देख लेते हैं, ठीक है? तो हमने क्या किया, इसके लिए ए मैट्रिक्स ली, इसको लिखा टू ए बाय ए, फिर इसको लिखा टू ए प्लस ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बाय, सॉरी ये नीचे टू आएगा सर, 2a/2. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल. तो 2a/2 ऊपर a ट्रांसपोज ऐड किया, a ट्रांसपोज हमने सबट्रैक्ट किया, तो ये आ जाएगा a plus a ट्रांसपोज by 2 plus a minus a ट्रांसपोज by 2, ठीक? तो ये चीज वो बोल रहा था, वेयर दिस इज द सिमेट्रिक एंड दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट. ये चीज क्वेश्चन में बोला था. आई होप क्लियर हुआ, ठीक है? चलो आगे चल रहे हैं. देखो क्या बोल रहा है वो, इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक? क्वेश्चन में मतलब दे रखा है हमें कि जो ए एंड बी है वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ठीक? देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, दैट इज ए एंड बी कम्यूट, ठीक है? तो ध्यान से देखो, अभी हमें इसके अंदर क्वेश्चन में दे रखा है कि ए इज ए सिमेट्रिक यानी कि ए का ट्रांसपोज ए होगा, बी सिमेट्रिक यानी कि बी का ट्रांसपोज बी होगा, ठीक? ए इज सिमेट्रिक तो ए का ट्रांसपोज ए होगा, बी इज सिमेट्रिक तो बी का ट्रांसपोज बी होगा. तो ये दोनों चीजें हैं. अब हमें क्या बोल रहा है कि इफ ए बी इज सिमेट्रिक, सॉरी ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ दिस, यानी कि हमें गिवन है कि ए बी सिमेट्रिक है तो प्रूव करना है कि ये चीज होगी. तो देखो अगर ए बी को सिमेट्रिक होना है तो इसका ट्रांसपोज दिस शुड बी इक्वल टू ए बी, हाँ या ना? ठीक, किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक होना है तो उसका ट्रांसपोज जो है वापस वही वाली मैट्रिक्स आ जानी चाहिए, राइट? तो अगर ए बी को सिमेट्रिक होना है तो ए बी का ट्रांसपोज करने के बाद वापस ए बी आ जाना चाहिए. ये चीज क्लियर है, ठीक? अब देखो जरा, तो ये चीज आ जानी चाहिए. अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या बन रहा है, ये बन गया बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ लग गया, दैट शुड बी इक्वल टू ए बी. अब b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b, ये तो हमें गिवन है, तो ये b बन गया, ये a बन गया, दैट इज इक्वल टू ab. सो अगर ab को सिमेट्रिक होना है तो दिस कंडीशन मस्ट बी ट्रू, सो दिस कंडीशन मस्ट बी ट्रू, सो दिस कंडीशन मस्ट बी ट्रू, दैट इज ab शुड बी इक्वल टू ba, हेंस प्रूव्ड. आई होप क्लियर हुआ. कोई भी डाउट है प्लीज पूछो. एक सेकंड सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन? हाँ जी प्लीज, एक सेकेंड रुक जाओ. हाँ तो
मैं क्या बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर ए बी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है, ए बी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है तो ए बी का ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू ए बी, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या बना, दैट इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए बी। सो ये बन गया बी, क्योंकि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, क्योंकि बी सिमेट्रिक एंड ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक, तो ए का ट्रांसपोज इज ऑल्सो इक्वल टू ए, ये आ गया ए दैट इज इक्वल टू ए बी। सो इफ दिस हैज टू बी ट्रू, दिस हैज टू बी ट्रू, दिस हैज टू बी ट्रू, हेंस बी ए मस्ट बी इक्वल टू ए बी, ये चीज प्रूव करनी थी। सो अगर ए बी को सिमेट्रिक होना है इसके लिए ए बी शुड बी इक्वल टू बी ए। आई होप क्लियर हुआ जयति। यस सर। गुड, और किसी को कोई डाउट? हाँ जी सर, इसको उल्टा नहीं शुरू करना चाहिए था, जो गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए से ट्रांसपोज तक प्रूव करना। If and only if लिख के आप कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ठीक ठीक है। अच्छा चलो, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये देख लो, इसके बाद फिर होमवर्क को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। अच्छा देखो, हमें क्या दे रखा है, ए एंड बी बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, इनका ऑर्डर सेम है, ठीक। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है वो, प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक, ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। तो देखो अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज जो है वो ए होगा, बी सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज बी होगा, ठीक। तो अब अगर ए प्लस बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो देखो हमने क्या किया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाला, सो एडिशन के ऊपर तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, राइट। अब ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर, तो ये बन गया ए, एंड बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर, तो ये बन गया बी। तो अब ध्यान से देखो, ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है ये अगेन ए प्लस बी आ गया, हेंस ए प्लस बी इज सिमेट्रिक, हेंस ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। आई होप क्लियर हुआ, राइट। चलो सेकंड पार्ट, अब हमें प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, राइट। तो किसी को भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसका ट्रांसपोज करने के बाद माइनस ऑफ ए आ जाना चाहिए, राइट, तो जाके वो स्क्यू सिमेट्रिक जाएगा। तो देखो इसका ट्रांसपोज किया हमने, अब ये सब्ट्रैक्शन के ऊपर ट्रांसपोज एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये ए बी का, तो ये इसका ट्रांसपोज माइनस इसका ट्रांसपोज दैट इज बी ए का ट्रांसपोज, ठीक, क्या बन गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो रिवर्सल लॉ लगेगा, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब B ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, B के, A ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, A के, माइनस ये A ये B। अब ध्यान से देखो, दोनों से नेगेटिव साइन कॉमन लिया, ये बन गया AB माइनस BA। तो देखो AB माइनस BA का ट्रांसपोज किया तो माइनस ऑफ AB माइनस BA आ गया, हेंस इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, क्लियर हुआ, ध्यान से देखो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछो, बता दो एक बार। हाँ जी, दोबारा मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, सेकंड पार्ट ना, ए बी माइनस बी ए, हाँ जी यस सर। देखो ए बी माइनस बी ए के अंदर क्या किया हमने, ठीक, हमने ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया, ठीक। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, ये a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज हो जाता है, तो ये सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन के ऊपर इसके ऊपर एंड इसके ऊपर ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक। फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये बन जाएगा b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, तो दैट विल बी इक्वल टू b का ट्रांसपोज इज b, a का ट्रांसपोज इज a माइनस ए बी। अब मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये बन गया ए बी माइनस बी ए, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, हेंस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये चीज मैंने बताई, समझ आया? यस सर। गुड गुड, अब लास्ट पार्ट देखो, हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी ए जो है दैट इज अ सिमेट्रिक। सिमिलरली करेंगे,
तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज किया हमने, वो क्या आ गया ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का कारण उल्टा हो गया, तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, सो दैट इज इक्वल टू, देखो ये बन गया बी, ये बन गया ए, प्लस ये बन गया ए, ये बन गया बी, तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज क्या आ गया ए बी प्लस बी ए, हेंस ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। आई होप क्लियर हुआ, राइट चलो आज के लिए हम इतना ही काम करेंगे, ठीक है, अभी हम होमवर्क को डिस्कस करते हैं, ठीक। तो होमवर्क में पहले जो मैंने दिया था होमवर्क, उसके अंदर कोई भी डाउट है पहले तो मेरे को डाउट बताओ, एक सेकंड पहले मेरे को होमवर्क अपलोड करने दो, ये कल वाला होमवर्क है, हाँ जी एक सेकंड रुकना मैं होमवर्क अपलोड कर रहा हूँ। हाँ जी, तो होमवर्क के अंदर चार क्वेश्चंस थे एंड फिर मिसलेनियस के क्वेश्चंस थे, तो इन चारों क्वेश्चन में कोई भी डाउट है ठीक तो प्लीज मेरे को बताओ, ये चारों क्वेश्चन में, ये हमने क्लास में भी किए थे, ये चारों के चारों मैंने क्लास में करके दिखाए हुए हैं तुम्हें, इनमें कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, अदरवाइज मिसलेनियस के डाउट लेते हैं। चले आगे, ये जो क्वेश्चन है ना याद रखना, ये मिसलेनियस के एग्जांपल्स के अंदर कवर अप होते हैं सर, फोर्थ का सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट मैं बताता हूँ, फोर्थ का सेकंड पार्ट, और किसी को कोई डाउट, ठीक है, तो फोर्थ के सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है वो, देखो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ए की पावर एन को, तो ये हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से करना पड़ेगा, अब मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे करेंगे, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए अल्फा की पावर एन को वन पुट कर देंगे, तो ये हमें दे रखा है कॉस एन अल्फा साइन एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा एंड कॉस एन अल्फा, ठीक। स्टेप वन, स्टेप वन क्या है, एन इक्वल टू वन के लिए, एन इक्वल टू वन के लिए क्या बन जाएगा ये, दैट इज ए अल्फा की पावर वन, दैट इज नथिंग बट ए अल्फा, दैट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक। तो वन के लिए तो टू प्रूव हो गया क्योंकि हमें यही दे रखा है। अब स्टेप टू, अज्यूम इट टू बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, ठीक, अज्यूम इट टू बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। अब अगर एन इक्वल टू के लिए ट्रू प्रूव अज्यूम करेंगे तो ए अल्फा की पावर के that will be equal to cos k alpha sin k alpha minus sin k alpha and cos k alpha, ये हो जाएगा। Now step three, step three क्या है, to prove it to be true for n equal to k plus one। अब n equal to k plus one का मतलब क्या है कि a alpha की power k plus one that is equal to cos k plus 1 alpha sin k plus 1 alpha minus sin k plus 1 alpha and cos k plus 1 alpha, यानी कि ये अपने को प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, राइट। अब ध्यान से देखो, जो प्रूव करना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a अल्फा की पावर k प्लस 1, और जो गिवन है दैट इज a अल्फा की पावर k, तो यहां से ये कैसे मिल सकता है कि यहाँ पे पावर जो है वो k से k प्लस 1 चाहिए, अब k प्लस 1 पावर कैसे आएगी, प्लस 1 पावर चाहिए, तो यानी कि इस चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ a अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a अल्फा, तो दोनों को a अल्फा से मल्टीप्लाई करके देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, a अल्फा की पावर k प्लस 1, एंड राइट हैंड साइड में ये जो चीज है ये a अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा ये cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस साइन के अल्फा एंड कॉस के अल्फा, दैट इज मल्टीप्लाई बाय ए अल्फा, एंड ए अल्फा इज नथिंग बट
cos alpha, sin alpha, minus sin alpha and cos alpha. ये बन जाएगा. And that is equal to, ठीक ध्यान से देखना, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो cos k alpha into cos alpha, cos k alpha into cos alpha, minus sin alpha into sin k alpha, तो minus sin k alpha into sin alpha, then row 1 into column 2, तो ये बन जाएगा sin cos k alpha into sin alpha, cos k alpha into sin alpha, plus sin k alpha into cos alpha, sin k alpha into cos alpha. ठीक, अब देखो रो टू इंटू कॉलम वन, तो कोस अल्फा इंटू माइनस साइन के अल्फा, माइनस साइन के अल्फा इंटू कोस अल्फा, देन माइनस साइन अल्फा इंटू कोस के अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कोस के अल्फा, देन रो टू इंटू कॉलम टू. ठीक, तो ये बन जाएगा माइनस साइन के अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस साइन के अल्फा इंटू साइन अल्फा, प्लस कोस के अल्फा इंटू कोस अल्फा, कोस के अल्फा इंटू कोस अल्फा. देखो ये क्या बन गया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट इज कोस ए प्लस बी, दैट इज कोस के प्लस वन इंटू अल्फा, साइन ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, दैट इज साइन ए प्लस बी, तो दैट इज साइन ए प्लस वन अल्फा. इन दोनों से माइनस साइन कॉमन लेके ये भी साइन ए प्लस बी बन जाएगा, तो माइनस साइन ए प्लस वन अल्फा. एंड ये जो चीज है दैट इज कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट इज कोस ए प्लस बी, तो दैट इज कोस ए प्लस वन अल्फा. ठीक, तो ये बन गया हमारा हेंस प्रूफ, ए प्लस वन वाली चीज आ गई हेंस प्रूफ. ठीक, कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बोलो, कोई भी डाउट है प्लीज बोलो, अदरवाइज आगे चल रहे हैं. हाँ जी चलें आगे चलें, तो इन चारों में कोई और डाउट? अच्छा मिसलेनियस में बोलो जरा, मिसलेनियस के क्वेश्चंस में कोई डाउट? सेकंड सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके अलावा सेकंड सर, सेकंड के अलावा सिर्फ सेकंड ही है? यस सर. चलो ठीक, यस सेकंड, ठीक है सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी हमें पावर एन वाला है, तो ये भी हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से ही करना है. ठीक है, तो ध्यान से देखो सेकंड क्वेश्चन में बोल क्या रहा है वो, दैट इज इफ ए मैट्रिक्स इज 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक ए मैट्रिक्स इज दिस, देन प्रूव दैट ए की पावर एन इज 3 की पावर एन माइनस 1, 3 की पावर n 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 माइनस 1, ये हमें प्रूव करना है. आई होप क्लियर हुआ, राइट, दिस इज अ क्वेश्चन. तो ध्यान से देखो, सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 1 के अंदर हमने क्या किया, n इक्वल टू 1 के लिए. अब देखो इस पूरी चीज के अंदर हमने n को 1 पुट किया, तो n को 1 पुट करके क्या बन गया, a की पावर 1, दैट इज a. तो राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो हर एक के अंदर क्या बन जाएगा, 3 की पावर 0, तो एनीथिंग विच पावर 0 इज 1, तो ये बन जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1. अब ये तो ट्रू ही होता है, राइट, क्योंकि ये तो गिवन है अपने को, तो हेंस स्टेप 1 जो है फॉर n इक्वल टू 1 इट इज ट्रू. नाउ स्टेप 2, अज्यूम इट टू बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो दैट मींस a की पावर k इज इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1, 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 तो ये ट्रू अज्यूम कर रहे हैं. ठीक, तो स्टेप 3, टू प्रूफ इट टू बी ट्रू फॉर n is equal to k plus 1. So that means a की पावर k plus 1 that is equal to 3 की पावर, ध्यान से देखो ये k plus 1 minus 1, तो that is 3 की पावर k, 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 ये अपने को प्रूफ करना है. ठीक, अब ध्यान से देखो यहां से हमें ये कैसे मिलेगा, that is पावर k से पावर k plus 1 कैसे होगा, जब हम इसको दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए की पावर, ए ए
ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, ए की पावर के प्लस वन, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या बनी, थ्री की पावर के माइनस वन, 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 थ्री की पावर के माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन 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 वन। ये क्या चीज है, ये ए है। अब दोनों का प्रोडक्ट देखो क्या जा रहा है, ठीक देखो जरा ये चीज किससे मल्टीप्लाई हो रही है, वन से, ये वन से, ये वन से, तो बेसिकली ये तीनों ऐड हो जाएंगे। तो तीनों ऐड होके क्या आया, देखो थ्री की पावर के माइनस वन प्लस थ्री की पावर के माइनस वन प्लस थ्री की पावर के माइनस वन, दैट इज नथिंग बट थ्री टाइम्स थ्री की पावर के माइनस वन, दैट इज नथिंग बट थ्री की पावर के। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट बन गया थ्री की पावर के, अगले वाला भी थ्री की पावर के, अगले वाला भी सारे के सारे थ्री की पावर के बन गए सिमिलरली, थ्री की पावर के, थ्री की पावर के, थ्री की पावर के, राइट। ये चीज तो प्रूव करनी थी, राइट, ये चीज तो हमें प्रूव करनी थी फॉर एन हेंस प्रूव्ड। कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो, कोई भी डाउट है